तरह की रियलिस्टिक 3D सोशल मीडिया की प्रोफाइल आईडी कार्ड इमेजेस अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एंड आप भी अपने किसी भी फेवरेट सोशल मीडिया आइकॉन जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया को सेलेक्ट करके अपना रियल यूजर नेम डालकर इस तरह की यूनिक एंड रियलिस्टिक आईडी कार्ड बनाकर अपने लिए एडिटिंग कर सकते हो जस्ट वन टैप पे। तो आप भी कैसे अपने फेवरेट किसी भी सोशल मीडिया की रियलिस्टिक प्रोफाइल आईडी कार्ड बना सकते हो। और साथ में मैंने इस इमेज के कैरेक्टर के फेस को हटाकर इसे अपना फोटो डालकर स्वाइप कराया, अब तो बिल्कुल रियल लग रहा है। तो इस तरह की फेस स्वैप भी कैसे करनी है आज की समझो पे बताने वाला हूं, इसीलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो इस एडिटिंग के लिए हमें दो चीज चाहिए होगा, फर्स्ट हमारे पास होने चाहिए प्रॉम्प्ट एंड सेकंड इमेज जनरेटर टूल। उसके लिए आपको सिंपली अपना ब्राउजर को ओपन करके गूगल पे या फिर सर्च बार पे यहाँ पे अपना एडिट लिखकर सर्च कर देने हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट को ओपन करना है, देन यहाँ पे मेनू को प्रेस करके फोटो एडिटिंग को प्रेस करोगे यहाँ पे आज की वीडियो की प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो आप यहाँ सर्च पे आके 3DAI प्रोफाइल ग्लास लिख दो, इतना में ये आ जाएगी। इस वाली पेज को ओपन करना, पेज को ओपन करने के बाद स्क्रॉल अप करना एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्नैपचैट लिखा है, मतलब ये स्नैपचैट के लिए प्रॉम्प्ट है फर्स्ट में एंड सेकंड में इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे जैसे स्नैपचैट का हमने प्रॉम्प्ट कॉपी करा एंड इमेज जनरेटर पर जाके पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से इमेजेस आपके नेम के भी जनरेट होकर आ। यहाँ पे आपको मैं दो ही प्रॉम्प्ट दिया हूँ, स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम, एंड बाकी जैसे व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिए प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगी आपको बताने वाला। तो दोनों में से किसी भी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना एंड नीचे आ जाए एंड यहाँ पे आपको एज जनरेटर टूल मिल जाएगा, जस्ट आपको इसे टैप करना, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी जिसमें एज जनरेटर टूल देख यहाँ पे आप पेस्ट करके इमेज जनरेट करा सकते हो। बट यहाँ पे आप तभी इमेज जनरेट करा सकते हो जब आप इस वाले इमेज जनरेटर को पहले यूज कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन अप करना, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे साइन कर लेना, अगर आप साइन अप नहीं करोगे तो आप यहाँ पे इमेज जनरेट भी नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा या फिर मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम लिखा है, यहाँ पे आपको यूजर नेम को हटा के आपको अपने स्नैपचैट का यूजर नेम या फिर इंस्टाग्राम का जनरेट करने वाले हैं उसका, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल स्नैपचैट का और इसके बाद क्रिएट को प्रेस करूंगा। नाउ इमेज जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट कर लेना जब तक यहाँ पे लुक ले रही है, मैं क्रिएटिंग हूँ। जैसे ही क्रिएटिंग, चार इमेजेस देखो जिसमें से आप किसी भी फोटो को सेव कर सकते हो, मतलब दो इमेज आपको सही लग उस इमेज को यहाँ पे सेव कर सकते हो। पहले चेक कर लेना कि आपका जो नेम मिसफेल्ड हुआ है उसे आप करेक्शन करा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने स्नैपचैट का क्रिएट करा वैसे इंस्टाग्राम क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको साइट पे वापस आ जाना, इंस्टाग्राम वाली इमेजेस जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे नीचे में प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, यहाँ तक आप कॉपी कर ले एंड आपको एजेंडर टूल आ सकते हो या फिर टैब को ओपन करके भी यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो एंड जो प्रॉम्प्ट पेस्ट है उसे हटाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम की यूजर नेम डाल देता हूँ एंड यहाँ पे अगेन क्रिएट को प्रेस कर दे। और जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम का इमेज जनरेट करा रहा हूँ वैसे आपको मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड कभी बताऊंगा। तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चारों में चारों इमेजेस बेस्ट, तो आपको भी चारों में से कौन सा बेस्ट था वहाँ पे इजिली सेव कर सकते हो बिना वाटरमार्क। तो ऐसे आपको मैं फेसबुक का भी करके दिखा देता हूँ, आप तो दूसरे सोशल मीडिया का डालना चाहते हो। तो स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम का हमने इमेज जनरेट कर लिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया था एंड मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब का प्रॉम्प्ट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे इमेज जनरेट कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फेसबुक का इमेज जनरेट कराने वाला हूँ तो आपको क्या करना, तो इंस्टाग्राम जहाँ पे लिखा है उसे हटाकर आपको यहाँ पे फेसबुक लिखते जाना। तो इंस्टाग्राम यहाँ पे मैं चेक करा, तीन जगह पे इंस्टाग्राम, तो उसे आपको यहाँ पे फेसबुक कर देना है। और इतना ही नहीं, और यहाँ पे देख सकते हो कलर लिखा है उसके पहले में है, उसको हटाकर ब्लू लिख देना है एंड यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज नहीं करोगे तो मिक्स हो जाएगी, मतलब आपका फेसबुक मेजेंटा कलर पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, आप देख सकते हो एंड इमेज जनरेट होकर बाद 4 इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं और मेरा जो नेम वो यहाँ पे परफेक्टली। अगर आपका नेम सही से नहीं है तो अगेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड नाउ ऐसे ही आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए मैं जनरेट कर पता यहाँ पे लिखा था उसे हटाकर तीनों पे आपको व्हाट्सएप लिखना है एंड आपको अपना नाम पे व्हाट्सएप के लिए प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं, आपको यहाँ पे ना होगा एंड इसे एंड कलर पे ग्रीन लिखना मत, ठीक है, वरना ग्रीन के जगह में ब्लू व्हाट्सएप देख। तो यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, 5 से 10 सेकंड कर लेना। ओके गाइस, यहाँ पे इमेज जनरेट होकर आगे देख सकते हैं कि रियलिस्टिक इमेजेस तगड़ी लग रही है एंड फेस स्वैप अभी करके बताने वाला हूँ और उसके बाद रिजल्ट देखना और भी रियलिस्टिक लगने वाली है। नाउ आपको मैं लास्ट बार क्रिएट करके बता देता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब का आईडी कार्ड बनाना चाहता हूँ तो मैंने व्हाट्सएप की जगह यूट्यूब लिख दिया एंड अपना चैनल का लिख दिया एंड यहाँ पे क्रिएट को प्रेस करा, यहाँ पे लो रही है एंड जैसे कम्प्लीट हो जाएगी नाउ देख सकते हो कार्ड भी हमारी बुक से आ गया, हमारा नाम भी परफेक्टली आ गया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इमेज जनरेट कर लिया फेसबुक, मतलब सारे सोशल मीडिया के। बट अब बात आती है कि जो ये इमेज है, जो इसमें कैरेक्टर है, उसको हम कैसे अपने फोटो डालकर स्वैप करा सकते हैं। तो उसके साइड पे वापस आ जाता हूँ एंड यहाँ पे स्क्रॉल अप करोगे, मतलब नीचे जब देख सकते हो फेस स्वैप टूल लिखा है एंड यहाँ पे टूल का ऑप्शन देख लेगा, उस ऑप्शन पे जाओगे तो आपकी जो इमेज है कुछ पहले कुछ इस तरीके से थी एंड मेरे फोटो यहाँ पे स्वैप करा इस तरीके। तो ये वाली टूल को सिंपली आपको ओपन कर लिया, आपको मैं प्रैक्टिकली स्वैप करके दिखा। तो टूल पे आने के बाद यहाँ देख सकते हो दो जगह पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर में आपको जनरेटेड इमेज को ऐड करना, जैसे यहाँ पे ये वाली इमेज को ऐड करा एंड नीचे में जो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है उसमें आपको अपना फोटो ऐड कर लिया। मेरे पास ये फोटो है, मैंने वाली फोटो अपलोड करके
स्वैप करा दिया है एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरी है एंड जैसे लोड कम्प्लीट हो जाएगी या हमारी फोटो आ जाएगी आप देख सकते हो मेरी जो फेस वो यहाँ पे बहुत सही से स्वैप हो गया है एंड वैसे आपको मैं अगेन स्वैप करके दिखाऊंगा तो ये वाली फोटो मैंने ऐड करा ऊपर पे एंड अगर मैं स्वैप को प्रेस करूंगा देख सकते हो लुक ले रही है और नाउ ये वाली आईडी कार्ड को देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लग रही है। तो इस तरीके से इमेज क्रिएट करके फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे डाल के अपने फ्रेंड के सामने कूल बन सकते हो। एंड गाइस मैंने इस तरीके से करेक्टर विद 3D नेम वाली इमेजेस क्रिएट करा है, मतलब कि आप अपना 3D नेम और एक करेक्टर के साथ इमेज जनरेट करा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाली प्रॉम्प्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे में 3D नेम करेक्टर कमेंट कर देना। एंड आज के इस वीडियो में हमने 200 लाइक्स के टारगेट रखा है तो प्लीज जल्दी से कम्प्लीट करा देना। जैसे ही कम्प्लीट हो जाते हैं 200 लाइक्स एंड आपके कॉमेंट्स देखने को मिल जाते हैं तो मैं 3D नेम करेक्टर वाली वीडियो को भी पब्लिश कर दूं। तो वीडियो चले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।